अत्तन्नो नातो कोही नातो परोसिया अत्तन्नाही सुदंतेन नातंग लब्बती दुर्लभंग। मनुष्य यानी व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने आप को भली भांति वश में करके प्रज्ञा द्वारा ही यह दुर्लभ यानी स्वामित्व प्राप्त होता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत की विरासत देख रहे हैं और इसमें अमूमन अभी हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में जो वीरान अंधे के बौद्ध स्थल है जिनका निर्माण सम्राट अशोक इनके कार्यकाल में हुआ है और सम्राट अशोक इनके बाद में हुआ है, ऐसे स्थल आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश राज्य के आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मंदसौर जिले के और समघर तहसील से 22 किलोमीटर दूरी पर और शामगढ़ इस रेलवे स्टेशन से 23 किलोमीटर की दूरी पर धमनार नाम की जगह है। धमनार यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। तो धमनार में शैल गुफाएं हमें देखने को मिलेगी और नायाब ऐसी गुफाएं अजंता वेरूल के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी गुफाएं और बहुत सी जो चीज़ें हैं इन गुफाओं में हमें देखने को मिलेगी। अमूमन जो गुफाओं में चैत्य विहार स्मारक देखने मिलते हैं इसमें यह भी देखने मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत से रहस्य आपको देखने मिलने वाले। तो यहाँ तक जाने के लिए देखिए, अब ये शामगढ़ रेलवे स्टेशन मेरे पीछे है, आप यहाँ तक आ सकते हो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो। तो यहाँ से आपको 23 किलोमीटर दूरी पर, मतलब आपको वाहन करना होगा यहाँ से, लोकल कोई भी वाहन हो या फिर आप वैयक्तिक वाहन लेकर आते हो तो आपको उज्जैन से या फिर उज्जैन से होकर यहाँ आना होगा और यहाँ से आप जा सकते हो इन गुफाओं को, धमनार की गुफाओं तक, या फिर दूसरे कई सारे रूट अवेलेबल है उसके ज़रिए आप धमनार तक जा सकते हो। तो चलिए हम चलेंगे यहाँ तक धमनार तक। धमनार में रुकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो रुकने के लिए आपको शामगढ़ आना होगा या फिर शहर ढूंढने होंगे क्योंकि ये जो इलाका है चंबल का इलाका है, चंबल नदी है, यहाँ से काफ़ी नदी है तो इस कारण यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में आते समय हमें सतर्क होकर आना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ आते समय गुजरात से बसई होकर आए हुए थे। जब हम यहाँ शाम होते पहुँचे तो बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। यहाँ रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है, हम अपने जोखिम पर भी यहाँ ठहर नहीं सकते। यह क्षेत्र वन विभाग के दायरे में आता है। लूटमारी और वन्य प्राणियों के कारण यहाँ किसी को भी ठहरने की अनुमति नहीं दी जाती। इस कारण यह अति विशाल क्षेत्र महाकाय अस्तित्व के बावजूद आज वीरान है। हम आए हुए हैं धमनार की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। ये जो धमनार की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है यह मंदसौर जिले में है और साथ ही साथ शामगढ़ नाम का जो रेलवे स्टेशन है इसी के पास में, यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर शामगढ़ रेलवे स्टेशन है और यह नज़दीकी स्टेशन है। और इस स्थली पर मैं यानी ये धमराज में जो गुफाएं हैं या फिर धर्मराजेश्वर नाम का मंदिर है, यहाँ के पर्यटक जो लोग आते हैं या फिर यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी रहने की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये वीरान रहता है, ये एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में ये पूरी जगह है। हम आए हुए थे रात को, तो रात को यहाँ पर ठहरने के लिए बहुत परेशानी हुई थी तो हमें शामगढ़ जाना पड़ा था। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के सारे ऑफिस हमें दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर
जो गुफाएं हैं इनके लिए यहाँ पर संरक्षित स्मारक का एक बोर्ड लगाया गया है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट, और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए एक विशेष सूचना यहाँ पर दी गई है। तो ये जो पूरी स्थली है ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित स्थली है। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो शैल गुफाएँ हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण शैल गुफाएं है, क्योंकि यहाँ पर हमें बौद्ध गुफाएं तो दिखाई देती है और साथ ही साथ यहाँ पर एक धर्म राजेश्वर नाम का मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ की जो बौद्ध गुफाएं हैं इनका निर्माण जो है 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ का 8वीं से 9वीं शताब्दी का एक मंदिर हमें दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट दिया जाता है और टिकट लेकर हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देखें बोर्ड भी लगाया है यहाँ पर बौद्ध गुफाओं के ऊपर जाने वाला रास्ता, और वहाँ पर धर्मराजेश्वर मंदिर है, वह भी हम देखेंगे आखिर में। तो आइए हम चलते हैं इन बौद्ध गुफाओं के पास। यहाँ पर देखें ये जो गुफा है यह पूरी तरीके से संरक्षित है। धमनार जो है धमनार के नाम से हमें पता लगता है ये धमनार जो गांव है यह इसकी विशेषता क्या है। एक्चुअली यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़े पैमाने में धम्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था, और धम्म का यहाँ पर काम जोरों शोरों से होने के कारण यहाँ पर ये जो नाम है यहाँ कहीं तो धम्म से जुड़ा हुआ है, और इस कारण यहाँ पर अनेकों जो गुफाएँ हैं यानी यहाँ की जो गुफाएँ हम देखेंगे शैल गुफाएँ वो देख कर आप चकाचौंध हो जाओगे, क्योंकि आमूमन हमें अजंता और वेरूल नाम की जो गुफाएं हैं इनकी जानकारी है, लेकिन उस प्रकार की देश भर में अनेकों गुफाएं हैं इसकी जानकारी हमें कम ही है। यहाँ की ये जो गुफाएं हैं ये गुफाएं अजंता वेरूल की गुफाओं से कम नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का स्थापत्य यहाँ पर है जो आप देखोगे। और यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, ये देखिए ये भारतीय पुरातन विभाग के ऐसे अनेकों बोर्ड जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। धमनार की शैल गुफाएं, इसके अंदर यहाँ की जो गुफाएं हैं उनकी जानकारी दी गई है, इससे कब बनाया गया। और देखिए इन गुफाओं तक जाने के लिए यानी हमें जो सीढ़ियाँ दिखाई देगी, ये जो सीढ़ियाँ है प्राचीन काल में इसी प्रकार से हुआ करती थी, और भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यहाँ पर रेलिंग्स लगाई गई है। ये देखिए ये सीढ़ियाँ इस प्रकार की है, ये देखो ये जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हो हाल में लगाई गई है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हो यह प्राचीन काल की सीढ़ियाँ है। तो आइए लेंगे हम इन गुफाओं की जानकारी, बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी आज आपके सामने आने वाली है, और यहाँ के जो दृश्य है ये दृश्य देखकर आपकी आंखें चकाचौंध होने वाली है, क्योंकि आपने अभी तक अजंता वेरूल गुफाएं देखी है उसके अंदर के आपने जो शिल्प है वह देखे हैं, लेकिन यह जो शिल्प है यह भी आपको कहीं तो सोचने पर मजबूर कर देंगे कि भारत में अजंता वेरूल जैसी गुफाएं और भी स्थित है, जो कि आज भी गुमनाम है आज भी वीरान है। तो वह आपके सामने आने वाली है। अभी देखिए हम शुरुआती जब नीचे उतरते जो भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो प्रवेश द्वार बनाया गया प्रवेश द्वार से यहाँ पर ठीक हमारे सामने 12 नंबर की गुफा लगती है उसकी हम जानकारी लेंगे, विशेष रूप से सभी गुफाओं की हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ की जो एक नंबर की गुफा है जो नंबरिंग यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग ने दी है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, या फिर जहाँ से नंबरिंग भारतीय पुरातन विभाग ने नहीं दी है इन गुफाओं में। अमूमन यहाँ पर जो गुफाएं हैं यहाँ पर विशेषतः जो नंबर है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा कई गुफाओं को नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अनेकों जो गुफाएं हैं उन्हें नंबर नहीं दिया गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि 50 से भी अधिक गुफाएं हैं, या फिर ऐसा भी रिकॉर्ड है यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं हैं, और ये जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ का जो इलाका है ये धमनार हो या आगे एक पोला डोंगर नाम की जगह है, यह जो गुफा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुफाएँ हैं इस क्षेत्र में हमें ऐसे प्रतीत होता है। आपको हम दिखाएंगे यहाँ की सारी गुफाएँ, ये जो आप गुफाएँ देख रहे हो इनकी जानकारी हम लेंगे, उससे पहले हम सबसे आखिर में चलेंगे। आप नज़ारा देखिए सुंदर, यहाँ पर सुबह सुबह देखें यहाँ पर अनेकों प्राणी, ये जो क्षेत्र है ये वन विभाग के दायरे में, यहाँ पर देखें मोर दिखाई दे रहे हैं आपको इस क्षेत्र में, और ये जो जगह है या फिर ये जो धमनार है इसको प्राचीन काल में चंदनगिरी महाविहार कहा जाता था। यहाँ पर जो एक सिक्का मिला था मुहर मिली थी उस मुहर के ऊपर चंदन महाविहार करके ये जो स्मारक है स्मारक का नाम दिया गया था। तो ये चंदन विहार जो है यह नाम क्यों गिरा, यहाँ पर चंदन के जो पेड़ है अमूमन इस इलाके में ज़्यादा है, इस कारण इस क्षेत्र को चंदनगिरी महाविहार ऐसे कहा जाता था। तो ये गुफाएं हैं, चलिए हम आखिरी के हिस्से में चलते हैं यहाँ के और इनकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं।
सर्वदानं धम्मदानं जिनाति, सब्बरसं धम्मरसो जिनाति, सब्बरत्ति धम्मरत्ति जिनाति, तन्हकयो सब्बदुःखं जिनाति। धम्म का दान सब दानों को जीत लेता है। सब दानों में धम्मदान श्रेष्ठ है। धम्मर धम्म का रस सब रसों को जीत लेता है। सब रसों में धम्म रस श्रेष्ठ है। धम्म में रमन करना सभी रमण सुखों को जीत लेता है। सब रतियों में श्रेष्ठ है। तृष्णा का क्षय सब दुखों को जीत लेता है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। अभी हम इन गुफाओं के आखिरी छोर पर आए हुए, हमारे साथ यहाँ पर हमारी पूरी टीम आई हुई है, कैमरामैन, हम, साथ ही गुजरात राज्य के मिलिंद सोनी साहब और साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य के जो युवक है जिनका नाम है मनोज गजभार जी। मनोज गजभार जी यह महाराष्ट्र की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनको संवर्धन करने का काम करते हैं, जिसे लेनी संवर्धन कहते हैं। तो यह भी इस वीडियो में शामिल है, ये भी इस दो जो दौरा शुरू है बोधिसत्व का, इसमें आए हुए। ये जो गुफाएँ हैं यहाँ की, अभी हम इन गुफाओं की जानकारी लेंगे। ये जो गुफा है सबसे पहले 1821 में जेम्स टोंड द्वारा खोजी गई है, और यहाँ पर ये जो गुफाएँ आपको दिखाई दे रही है या फिर इन गुफाओं में ज़्यादातर ये जो बौद्ध स्तूप या फिर जो चैत्य गृह है या फिर चैत्य हमें अमूमन ज़्यादा दिखाई देंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्षु रहे होंगे और साथ ही साथ कितने बड़े पैमाने में यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ होगा। देखिए ये जो क्षेत्र है धमनार क्षेत्र है, धमनार यानी यहाँ से बड़े पैमाने में धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो यहाँ की जो एक गुफाएं दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें एक स्तूप दिखाई दे रहे हैं, जो स्तूप आप देख पा रहे हो इसे ओटिव स्तूप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्तूप आप देख रहे हो ये अखंड पत्थर में बनाया गया है। देखिए ऊपर से उसके बनावट, देखिए ऊपर से नीचे तक ये पूर्णाकृति स्तूप रहा होगा उस समय पे। ऊपर का जो छतावली या फिर ऊपर का जो हिस्सा है वो ढह गया है या फिर टूट गया है, और ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो ये पत्थर लैटराइट पत्थर है। इस लैटराइट पत्थर में इसको उकेरा गया, इसका निर्माण किया गया है। देखिए इसको, इसकी कलाकृतियाँ देखिए उस समय पर दी गई थी, आप देख पा रहे हो इसके ये जो स्टेप्स है या फिर जिसे हार्मिका कहते हैं या फिर ये जो मेदी देख पा रहे हो, और ऊपरी हिस्से में भी हार्मिका और जो छतावली है वह हमें निर्माण की हुई दिखाई देती है, और एकदम क्लियर कट यानी पूर्णाकृति यह स्तूप जो है हमें दिखाई देता है। और ये जो स्तूप है ये कोई अमूमन स्तूप नहीं है, इन स्तूपों में प्राचीन काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्षु है उनकी अस्थियाँ रखी जाती थी। तो इस प्रकार के हमें यहाँ पर दो स्तूप दिखाई देते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस स्तूप में देखिए यहाँ पर एक हमें छोटा सा ये दिख रहा है, दालन दिख रहा है। इस दालन में शायद से मूर्ति या फिर उस समय कुछ ना कुछ रखा जाता होगा। और ये जो स्तूप है यह थेरवादी परंपरा के हैं, यानी यहाँ पर दोनों पंथ हैं यहाँ पर दोनों पंथ रहा करते थे। यहाँ पर थेरवादी भी भिक्षु रहा करते थे और साथ ही साथ महायानी भिक्षु भी यहाँ पर रहा करते थे। तो यहाँ पर के ये जो दो स्तूप हमें शुरुआती मतलब पिछले हिस्से में आए हुए, तो पिछले हिस्से में हमें यहाँ पर यह स्तूप दिखाई दे रहे। और ये जो स्तूप है यानी यहाँ पर देखिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर ना चैत्य हुआ करते थे अमूमन। देखिए आप यहाँ पर ये देखोगे सर्कल, तो यहाँ के जो पहाड़ है या फिर इसका कुछ हिस्सा जो है वो ढह गया। आप देखोगे तो यहाँ पर ये सर्कल में स्तूप को निर्माण किया गया है, यहाँ पर एक सर्कल यानी जो चैत्य का आकार हुआ करता था शायद से इसको भी चैत्य का आकार रहा होगा, क्योंकि ये पत्थर आप देखिए ये आपको ऐसा सर्कल इसमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अनेकों जो चैत्य है यहाँ पर निर्माण किए गए हैं। अभी यहाँ से जो मुख्य गुफाएं शुरू होती है, यहाँ से मुख्य गुफाएं यहाँ पर विहार जो स्थापत्य है इन गुफाओं में यह हमें दिखाई देता है। आइए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो गुफाएं है इस प्रकार से उकेरी गई है, और ये जो शुरुआती दौर में यहाँ पर भिक्षुओं के लिए ध्यान करने के लिए या फिर विहार करने के लिए ये जो विहार बनाए गए, जो स्मारक बनाए गए इस प्रकार से हमें प्रतीत होता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ शुरुआती पिछले हिस्से में शुरुआती जो गुफाएं हैं इस प्रकार की छोटी छोटी है, यहाँ पर अलग अलग दालन है। आइए देख रहे हो आप यहाँ पर ये भिक्खु निवास है, ये छोटे बड़े यहाँ पर सारे आप भिक्खु निवास देख सकते हो। चलिए आगे
यहाँ पर की जो सारी गुफाएं हैं अमूमन इसी प्रकार की हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक बड़ा कक्ष दिखाई दे रहा है, ये देखो गुफाओं का ये बड़ा दालन दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा ये जो गुफाएं हैं इन गुफाओं को गेट लगाया गया, देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर ये जो एक मतलब भिक्खु निवास है वो हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस प्रकार से। और ये जो भिक्खु निवास है या फिर यहाँ के जो जितनी भी गुफाएं हैं इनको अमूमन डोर हुआ करते थे, और डोर लगाने के लिए यहाँ पर ये जो खोबनिया जिसे कहते हैं जिसके अंदर डोर अटैच हुआ करता था, डोर अटैच करने के लिए यहाँ पर दो खाँचे दिए गए, इन खाँचों में डोर को अटैच किया जाता था। और निचले हिस्से में भी हमें यही खाँचे दिखाई दे रहे, यानी उस समय पे लकड़ी के डोर हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार के स्मारक है। ये जो स्मारक है यहाँ पर जो गुफाएं हैं इनको यहाँ की नंबरिंग मिट चुकी है या फिर यहाँ पर प्रॉपर नंबरिंग नहीं हुए है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक भिक्खु निवास है, देखिए ये प्लेन है पूरा, और जो इसका पत्थर है ये खुरदुरा है, देखिए ये पूरा लैटराइट पत्थर है और ये पूरा कमज़ोर हो चुका है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ का ये भिक्खु निवास है। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए भिक्खु तो रहा करते थे और साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यापारी, ये जो गुफाएं हैं यह प्राचीन व्यापारी मार्ग के ऊपर निर्माण होने के कारण यहाँ पर व्यापारी भी ठहरा करते थे इस जगह पर, इसलिए हमें बड़े बड़े जो कक्ष है यानी कि यहाँ पर रेस्ट रूम जो है वह भी हमें दिखाई देते हैं। आइए, यहाँ की जो दक्षिण उत्तर दिशा है इसके छोर पर हमने ये जो गुफाएं देखी है, इसके अगले वाले छोर पे भी आने को जो गुफाएं है वह रही होंगी, क्योंकि हम आगे देखेंगे यहाँ ये पूरा इलाका कवर करेंगे और आखिर में हम जो गुफाएं जहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग ने जिन गुफाओं को संरक्षित नहीं किया उन गुफाओं के पास भी हम चलेंगे। आइए, ये देखो एक दालन दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर देखिए ये हमें भिक्खु निवास दिखाई दे रहे, तीन भिक्खु निवास है और ऐसे अनेकों भिक्खु निवास यहाँ पर स्थित है। अलग अलग कक्षा, अलग अलग गुफाएं है, 100 से भी अधिक है। आइए, यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा नंबर दिया गया है, यहाँ पर दो हमें जो भिक्खु निवास है वो दिखाई दे रहे, सर्वसाधारण है। आइए, और यहाँ की जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, ये जो सीढ़ियाँ है जिस समय गुफाओं का निर्माण किया जा रहा था उसी, ये जो पूरा क्षेत्र है प्राचीन काल का जो अवंती या फिर मालवा नाम का जो क्षेत्र है ये उस दायरे में आता था, और यहाँ पर क्षत्रप हो, महाक्षत्रप हो या फिर मैत्रिक हो, उन्होंने यहाँ पर राज्य किया है। और यहाँ पर ये दो नंबर की गुफा आप देखिए, ये इस प्रकार की दो नंबर की भी ये जो विहार है सर्वसामान्य विहार या फिर भिक्खु निवास जिसे कहते हैं वो हमें दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो तीसरी गुफा है, तीसरी गुफा से जो मुख्य गुफा है यहाँ की धमनार की वह शुरू होती है, और उनकी जो शुरुआत है यहीं से होती है।
ये देखिए महाराष्ट्र में अभी तक हमने आपको बड़े पैमाने में चैत्य विहार और स्मारक दिखाए, उसी में से ये जो तीसरी गुफा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गुफा में हमें एक जो चैत्य और एक स्तूप दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चैत्य स्तूप जो है यह साधारण नहीं है, बल्कि यह जो चैत्य स्तूप है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूर्णाकृति चैत्य स्तूप है। देखिए इस प्रकार के जो चैत्य स्तूप है, हमें यहाँ की जो बाघ गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश की, उस बाघ गुफाओं में जिस प्रकार से स्तूप हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार का जो स्तूप है यहाँ पर बनाया गया। और ये पूर्णाकृति स्तूप है, ऊपर शतावली दिखाई दे रही है, हार्मिका दिखाई दे रही है, उसकी मेदी दिखाई दे रही है और ये पूर्णाकृति स्तूप दिखाई दे रही है। इधर आइए मैं आपको एक इसकी खास विशेषता बता दूँ। इसका जो गिलावा है, इसके ऊपर लेपन हुआ करता था। ये देखिए ये जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर लेपन हुआ करता था और साथ ही साथ इन स्तूपों पर या फिर ये जो गुफाएँ हैं इन गुफाओं में पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो देखिए जो लेपन है, लेपन हमें दिखाई देता है, जो लेपन इसके ऊपर बहुत सटीक किया गया था और बहुत ही सुंदर यह जो स्तूप है या फिर जो स्मारक है उस समय रहे थे। और जिस प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अजंता वेरूल की गुफाएं है, ठीक उसी प्रकार की यह भी धमनार की गुफाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखिए चार नंबर की जो गुफा है, ठीक इसी प्रकार की है। चार नंबर की गुफा जो है यहाँ पर देखिए चैत्य, देखिए चैत्य जो यू आकार में होता है या फिर ऊपर जो उसका पुष्ट है, जो गजब पुष्ट कहा जाता है, ऊपर का जो गजब पुष्ट हमें दिखाई दे रहा है और यू टाइप में यह जो चैत्य है वह है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्णाकृति स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तीन नंबर का आप जो यह बौद्ध स्तूप देख पा रहे हो, इस बौद्ध स्तूप में आपको जो स्तूप के ऊपरी हिस्से में तीन छत दिखाई दे रही है। जो तीन छत है बौद्ध धर्म में जो आयाम आते थे या फिर जो स्टेप्स रहते थे, जिसे अनागामी, सद्गुणागामी, श्रोतापन्न या फिर अरहंत जिसे कहा जाता है, यह उसको दर्शाते हैं। यहाँ पर ये तीन आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तीन छत दिखाई दे रहे हैं, मतलब उस समय के जो महाविद्वान भिक्षु रहे होंगे या फिर जो जिन्हें त्रिपिटक का नॉलेज रहा होगा, वो जो भिक्कू है वह यहाँ पर वास किया करते थे और उन्हीं के लिए यह जो स्तूप है यह निर्माण किया गया है और उन्हीं के जो धातु है इन स्तूपों में रखे जाते थे। तो यह जो स्तूप है वह इस प्रकार का है। और यह जो चैत्य है या फिर यहाँ के जो स्मारक है, इन स्मारकों को बनाने के लिए जो दानदाता थे या फिर जो व्यापारी रहे होंगे या फिर उस समय में जो राजा श्रेय मिला होगा, उसके लिए यहाँ पर देखिए शिलालेख भी अंकित किए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये पत्थर कमज़ोर होने के कारण जो शिलालेख है वह यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्राप्त नहीं है। यहाँ पर जो एक मुद्रांक पाए गए थे, मुद्रांक यानी एक सिक्का पाया गया था, उस सिक्के के ऊपर ये जो चंदनगिरी महाविहारे करके नाम अंकित किया गया था और उसके ऊपर से ये जो इलाका है, इस इलाके में चंदनगिरी महाविहार था, इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। और ये जो गुफाएँ उसी का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ की तीन और चार नंबर की जो गुफाएं हैं वह देखे, यानी यहाँ के हमने चैत्य देखे हैं शुरुआती दौर के। तो देखिए इस प्रकार के जो अनेकों गुफाएं हैं जो यहाँ पर निर्माण की गई है, उसको नंबरिंग नहीं दी गई है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। साथ ही साथ अब ऊपर के हिस्से में देखिए हमें एक दालन दिखाई दे रहा है, दालन के साथ एक हमें यहाँ पर फिर से स्तूप दिखाई दे रहा है जो कि पूर्णाकृति स्तूप है और जिसे भारतीय पुरातन विभाग द्वारा रिस्टोर किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर इसी प्रकार के स्तूप और अनेकों छोटे बड़े चैत्य हमें दिखाई दे रहे हैं जिसका कोई किसी भी प्रकार का उल्लेख किया नहीं गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चैत्य स्तूप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आधे आकृति वाला यह पूर्णाकृति स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। आधे आकृति में है और पूर्णाकृति है और साथ ही साथ एक चैत्य का जो उसका डोर है, चैत्य का डोर बनाया गया और स्तूप को इंगित किया गया है। तो देखिए इस प्रकार की जो गुफाएं है या फिर इस प्रकार के छोटे बड़े जो स्तूप है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक सर्वसाधारण छोटी सी गुफा है जो कि नॉर्मल है, यहाँ पर दो खंभा स्तंभ हमें दिखाई दे रहे हैं और छोटी गुफा है। और इसके बगल में यहाँ पर देखिए यह एक बड़ी गुफा है जो कि गुफा क्रमांक 6 है और इस गुफा क्रमांक 6 को बड़ी कचेरी कहा जाता है। बड़ी कचेरी है, यह एक चैत्य विहार है और इसकी जो जानकारी है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दी गई है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में इसकी जानकारी दी गई है। इसके ऊपर जो अंकित शिलाएं हैं या फिर जो वेदिकाएं हैं उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चित्र भी आच्छादित किए गए थे, लेकिन वो अभी नामशेष हुए हैं, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और देखिए यह जो बड़ी कचेरी है यानी कि जो चैत्य विहार है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए दोनों दिशाओं में हमें जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, यहाँ पर वेदिकाएँ दिखाई दे रही है,
दोनों पटलों में, दोनों हिस्सों में। और साथ ही साथ यहाँ पर दो स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, स्तंभों के ऊपर हिस्से में देखिए आपको एक अलग कार्विंग दिखाई देगी और डिज़ाइन दिखाई देगी, और ऊपरी हिस्से में आपको चैत्य गवाक्ष दिखाई दे रहे हैं। देखो दोनों हिस्से में, उस साइड में तीन चैत्य गवाक्ष है और उस साइड में तीन चैत्य गवाक्ष है, जिसे पिपलाकृति कहते हैं। और साथ ही साथ एक बीच में पूर्णाकृति स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार की जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ बनाई गई है। और इस चैत्य विहार में यहाँ पर दोनों दिशाओं में हमें खिड़कियाँ दिखाई दे रही है, विंडो दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ एक छोटा सा कक्षा हमें दिखाई दे रहा है गुफा का। और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब जो शिलालेख है, शिलालेख अंकित करने के लिए एक जगह को प्लेन किया गया था, फिनिशिंग दी गई थी, वह भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं ये जो चैत्य विहार है। इस चैत्य विहार में देखिए, इस चैत्य विहार में इस प्रकार का एक मंडप हमें दिखाई दे रहा है। इस मंडप को देखिए, चार स्तंभ है, ये चार स्तंभ में हमें इस प्रकार के जो ऊपरी हिस्से में आप देख पा रहे हो, जो मुकुट बंद है, वो मुकुट बंद हमें इन छतों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये जो छत है, ये जो मंडप है, मंडप शुरुआती दौर का, और मंडप के आगे हमें यहाँ पर इसी प्रकार का जो चैत्य स्तूप है वह हमें दिखाई दे रहा है। और ये चैत्य स्तूप देखिए लगभग, देखिए पूर्णाकृति ये चैत्य स्तूप है। इस प्रकार के जो चैत्य स्तूप है, जैसे आप अजंता वेरूल या फिर महाराष्ट्र की अन्य गुफाओं में आप देख पाते हो, ठीक उसी प्रकार का जो यहाँ का जो चैत्य है या फिर चैत्य में ये जो स्तूप है वह हमें दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो गिलावा जिसे कहते हैं, या फिर एक जो लेयर यहाँ पर था इस स्तूपों के ऊपर, या फिर ये जो इन गुफाओं में वह इसके ऊपर पेंटिंग्स थी, ऐसे प्रतीत होता है। देखिए स्तूप हमने देखा, ये जो स्तूप है, इस स्तूपों में भी अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियाँ उस समय पर रखी गई होगी। ये जो स्तूप है, स्तूप के अलावा यहाँ पर ये मंडप है, मंडप के अलावा यहाँ पर विहार है। जो विहार है देखिए, उस हिस्से में चार विहार है और इस हिस्से में चार विहार है। और जो विहार है ये प्लेन है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु विहार करते थे, यानी यहाँ पर प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना किया करते थे चैत्यों में, वहाँ से प्रार्थना करने के बाद ये जो यहाँ पर भिक्षु विहार करते थे, तो ये विहार हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये विहार चारों दिशाओं में, मतलब यहाँ पर दोनों हिस्सों में आपको ये विहार दिखाई देंगे। देखिए उस साइड में भी है, और ठीक उसी प्रकार के इसी साइड में, वहाँ पर चार है और यहाँ पर तीन है। तो इस प्रकार के जो विहार है, यहाँ पर अमूमन ये जो बड़ी कचहरी जिसे कहा जाता है, इसमें स्थित है। आइए, यहाँ एक सर्वसाधारण गुफा है जिसे नंबर नहीं दिया गया, या फिर यह 7 नंबर की गुफा होगी सामान्य है, और यहाँ पर यह 8 नंबर की गुफा जिसे छोटी कचहरी कहा जाता है। और ये जो छोटी कचहरी है, यह भी एक चैत्य है। देखिए तो इस प्रकार का है, यहाँ पर दोनों स्तंभ जो है ठीक उसी प्रकार के, और उसी प्रकार की वेदिकाएँ इस चैत्य में भी रही होगी। आइए, और इस चैत्य में हमें बड़ा स्तूप दिखाई दे रहा है, देखिए महाविशाल यह स्तूप देखिए। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कार्ला नाम की जो गुफाएं है, या फिर भाभाजे नाम की जो गुफा है, या फिर बेडसे नाम की जो गुफा है, उसमें अमूमन इस प्रकार की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ऊपर रेलिंग्स, ये जो रेलिंग्स है उस समय पे यहाँ पर लकड़ियों के साँचे हुआ करते थे। आज भी वो लकड़ियों के साँचे जो है कार्ला नाम की जो गुफाएँ हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जो चैत्य, इस चैत्य को बैलेंस किया जाता था, जो वॉइस है, जो ऑडियो है, ऑडियो को बैलेंस किया जाता था, इको बेस, या फिर हम बात कर रहे हैं, या फिर जो अरहंत बौद्ध भिक्षु उस समय पे प्रवचन दिया करते थे, या फिर लोगों को जो लोगों के सामने जो बातें रखा करते थे उससे लोग मंत्र मुग्ध हुआ करते थे। तो इसी के लिए ये जो चैत्य है, जो कि इको वॉइस के साथ इसे बनाया जाता था। तो तकनीक देखिए, और ये महास्तूप आप देख पा रहे हो, बहुत ही विशाल ऐसा स्तूप जो है यहाँ पर अंकित किया गया है। तो देखिए यह 8 नंबर की गुफा देख रहे हैं, जिसे छोटी कचहरी कहा जाता है, स्थानिक भाषा में लोगों ने नाम दिया है, लेकिन यह सारे के सारे चैत्य स्तूप है और यह विशाल है। और इनका जो काम है, या फिर इसका जो पुनर्निर्माण का काम है, भारतीय पुरातन विभाग द्वारा, देखिए आपको ये जो हिस्सा है ये लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये जो सीमेंट और रेती इस्तेमाल करके इसको रिस्टोर किया गया, आप देख पा रहे हो नजदीक से, देखें सीमेंट और बालू कहते हैं उसको, बालू का इस्तेमाल कर ये जो इसको फिर से पूर्ण आकार भारतीय पुरातन विभाग द्वारा दिया गया, यानी कि यह ढह चुका था।
तो उसका जो काम है भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर बखूबी निभाया है। आइए अभी हम यहाँ की 9 नंबर की गुफा देख रहे हैं, और 9 नंबर की गुफा एक विहार और स्मारक है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। ये देखिए यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई, आसन है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जो आप रूम देख रहे हो ये रूम यहाँ पर भिक्षुओं के लिए निवास करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो खाचे देख पा रहे हो जिसे दालन कहते हैं, इसके अंदर बौद्ध भिक्षु उस समय पर भिक्षाटन जो किया करते थे, भिक्षाटन करके आने के बाद जो सामग्री उनके पास रहती थी वह उन्हें यहाँ पर स्टोर किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर 3 सर्वसाधारण जो निवास है वह हमें दिखाई देते हैं। चलिए अभी हम यहाँ की 10 नंबर की गुफा की जानकारी लेने वाले, और ये जो 10 नंबर की गुफा है जिसे रानी का महल कहा जाता है, देखिए आइए, एक हॉल है और ये एक बड़ा जो सभा मंडप है, सभा मंडप जहाँ पर बौद्ध भिक्षुए सभाएं करते थे, यहाँ पर वे अपने जो प्रश्न है प्रश्नों का निवारण उस किया करते थे। तो एक सभा मंडप हमें दिखाई दे रहा है, और इस सभा मंडप में हमें जो ये 4 पिलर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से चारों कोणों में भिक्षु बैठा करते थे, और हर एक भिक्षु जो अपने मतभेद है या फिर अपने जो प्रश्न है वह भिक्षुओं के सामने रखा करते थे, और उसका निवारण कई महीनों तक किया जाता था। तो यह जो सभागृह है यह उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अभी हमने 10 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा देखी, और 10 नंबर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमने पिछले हिस्से में जिस प्रकार के जो स्तूप है, जो बड़े बड़े स्तूप हमने पीछे देखे 2 भव्य, उस प्रकार के जो स्तूप है यहाँ पर भी बाहरी हिस्से में बनाए गए थे। जिस प्रकार का महाबोधि जो बुद्ध विहार है उस विहार के सामने जो मनोति स्तूप है जो पत्थर में बनाए गए, ठीक उसी प्रकार के इस पहाड़ी में उकेर के ये जो स्तूप है मन्नत के तौर पर या फिर ऐसे जो जिसे दागुबा कहते हैं उसका जो निर्माण है यहाँ पर किया गया है। तो आइए यहाँ पर अगली गुफा जो है हम देख रहे हैं, ये जो निवास यहाँ पर है भिक्खु निवास है, ज़्यादातर भिक्खु यहाँ पर इतने बड़े पैमाने में स्तूप और जो स्मारक होने के कारण भिक्खुओं के लिए रहने के लिए खास तौर पर ये जो आप भिक्खु निवास देख पा रहे हो इनका निर्माण उस समय पर किया गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ की गुफा क्रमांक 12 जो है जिसे भीम बाज़ार कहते हैं, यानी यहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने इसको नाम भीम बाज़ार दिया है। दरअसल ये एक विशाल का है यानी विशालतम चैत्य गृह है, या फिर जिसे चैत्यालय कहते हैं वह। तो चलिए हम इस विशाल चैत्यालय की जानकारी लेते हैं। ये जो चैत्य है अगर इसको इसकी विशालता आपको देखनी है, मैं अंदर से तो आपको दिखाऊंगा लेकिन बाहर से भी कितना भव्य है। और ये जो चैत्य है इस चैत्य को प्राचीन काल में यहाँ पर जो भिक्खु संघ रहा करता होगा, या फिर प्राचीन काल में ये जो क्षेत्र है ना कि यहाँ के भिक्खुओं के लिए, या फिर दुनिया के सभी भिक्षु यहाँ पर आए होंगे और यहाँ पर इस पवित्र स्थली पर उन्होंने तथागत बुद्ध को वंदन किया होगा, उन्हें नमन किया होगा, और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में उन्होंने परिक्रमा की होगी। और ये जो चैत्य स्तूप आप देख पा रहे हो, इस चैत्य स्तूप का स्तूप की रचना देखिए, यहाँ पर बड़े भव्य ऐसे स्तंभ रहे होंगे उस समय पर, जो स्तंभ है वह स्तंभ टूट गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आकृतियाँ है स्तूप की आधे आकार में स्तूप इंगित किए गए, स्तूपों को उकेरा गया। देखिए यहाँ पर पूर्णाकृति स्तूप है, ये देखिए जो इसके दोनों हिस्से में, यानी हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते समय यहाँ पर स्तूप हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये स्मारक हमें दिखाई दे रहे हैं, और ऊपरी हिस्से में ठीक उस प्रकार के चैत्य गवाक्ष और साथ ही साथ स्तूप इंगित किया गया, और ये भव्य ऐसा चैत्य और भव्य ऐसा प्रार्थना स्थल है बौद्ध धम्म का। तो देखिए उसी प्रकार का जो बौद्ध स्तूप हमने अभी जो 9 नंबर की गुफा देखी, ठीक उसी प्रकार की यहाँ पर ये जो गुफा है यहाँ पर है, और इसके अंदर भी ठीक उसी प्रकार का छत है, 3 छत है जो प्रॉपर वहाँ पर डैमेज हुए थे लेकिन यहाँ पर डैमेज नहीं हुए, और इस प्रकार का जो स्तूप है हमें चैत्य स्तूप दिखाई दे रहा है। तो ये वंदनीय है, बहुत पूजनीय है, यहाँ पर पूजनीय भिक्खु संघ रहा करता था और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ करता था। तो इस प्रकार के ये जो इस प्रकार की महाविशाल जो गुफाएँ हैं वह हमें दिखाई देती है, और ये भव्य ऐसी है, और ये जो स्मारक है ये अति विशाल स्मारक आप देख रहे हो। अभी हमने चैत्य का अंदर का हिस्सा देखा, अभी चैत्य जो है वो चैत्य ये वाला जो है आपको आपने अभी देखा ये विशाल कैसा है और किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ से यह प्रदक्षिणा पथ है चैत्य का, और इस चैत्य के प्रदक्षिणा पथ से यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की जो वेदिकाएँ हैं यहाँ पर अंकित की गई थी, और यहाँ पर देखिए
ये स्मारक आप देख पा रहे हो, ये भव्य ऐसा स्मारक है। यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ पर यहाँ पर अनेकों छोटे मोटे विहार जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। आइए ये देखिए यहाँ पर के विहार जो है, ठीक इसी प्रकार के विहार यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहे। देखिए ये एक विहार है, इस प्रकार के विहार जो है यहाँ पर, ये जो प्रदक्षिणा पथ है यहाँ पर किए गए। देखिए यहाँ पर स्तंभ देखिए कितने भव्य दिखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नीचे प्रदक्षिणा पथ है और ये विहार है, और इन विहारों के लिए यहाँ पर देखिए सामने स्तंभ, स्तंभों के सामने ये पूरी कलाकृतियाँ देखिए, इस सारे भव्य है, अति विशाल है। और ये जो हिस्सा हम देख पा रहे हैं, इस हिस्से में हमें कई प्रकार की मूर्तियाँ दिखाई देगी, कई प्रकार की शिल्प कलाएँ जो है यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखो ये सामने वाला हिस्सा, इस हिस्से में भी उस समय पे मूर्ति रही होगी जो कि अभी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो पिलर आप देख पा रहे हो, ये अष्टकोनी पिलर है, ये आठ अंगों वाले जो पिलर है जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को दर्शाते हैं या फिर उसका प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर हमने विहार देखे और ये प्रदक्षिणा पथ है, हम फिर से प्रदक्षिणा पथ पे आए हुए। और यहाँ पर देखिए मूर्तियाँ है, यानी कि यहाँ पर थेरवाद के साथ साथ जो महायानी बौद्ध भिक्षु है वह दोनों साथ में रहा करते थे। जिस प्रकार से अजंता की गुफाओं में या फिर वेरुल की गुफाओं में वह साथ में रहा करते थे बौद्ध भिक्षु, महायान और थेरवाद परंपरा के, ठीक इसी प्रकार इन गुफाओं में भी वह साथ में रहा करते थे। यहाँ पर देखिए अजंता में जिस प्रकार का स्तूप है, स्तूप के ऊपर बुद्ध की प्रतिमा को आच्छादित किया गया है या फिर अंगीकृत किया गया है या फिर जिसे उकेरा गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप के ऊपर ये देखो तथागत बुद्ध की जो ध्यान मुद्रा है, जो पद्मासन जो मूर्ति है, यहाँ पर एक कमल का फूल हुआ करता था, उस कमल के फूल के ऊपर तथागत बुद्ध के जो पैर है वह हुआ करते थे, कमलासन के ऊपर बैठे हुए जो बुद्ध है यहाँ पर स्तूप में उस समय पर रहे होंगे। ये जो स्तूप है इस प्रकार का है जो कि देखिए यहाँ से स्तूप का आधा हिस्सा ये हमने मूर्ति देखी और पिछले हिस्से में हम यहाँ पर यह स्तूप देखेंगे। देखिए स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, आधे 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 आकार में हमें स्तूप दिखाई देगा और आधे आकार में यहाँ पर यह बुद्ध की जो मूर्ति है वह निर्माण की गई है। और यह जो अजंता के बाद ये पहली ऐसी गुफा है जिसके अंदर इस प्रकार की जो कलाकृति है या फिर इस प्रकार का जो स्थापत्य है वह हमें दिखाई देता है, यानी यह अजंता जैसी वर्ल्ड क्लास गुफाओं में शामिल है धमनर। अभी हमने यहाँ पर अजंता गुफा में जिस प्रकार का आधे आकार में बुद्ध की मूर्ति और आधे आकार में स्तूप को निर्माण किया गया वह विशिष्ट ऐसा स्थापत्य हमने देखा है। उसके साथ साथ अब ऊपरी हिस्से में देखिए, ऊपरी हिस्से में हमें अलग जो स्थापत्य है, जिस प्रकार का स्थापत्य महाराष्ट्र की गुफाओं में दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से में स्तूप इंगित किए गए और चैत्य गवाक्ष इंगित किए गए। देखिए यहाँ पर सभी, मतलब ये जो परिक्रमा वाला क्षेत्र है, इस परिक्रमा वाले क्षेत्र में ऊपर देखिए आप ऊपरी हिस्से में सभी जगह पर आपको ये चैत्य गवाक्ष दिखाई देंगे, मतलब उस समय पे डिजाइन रही होगी। ये देखिए प्रदक्षिणा पथ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो गुफा है, इस गुफा में यहाँ पर एक छोटा सा स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो पूर्णाकृति है। अमूमन यहाँ के जो सारे स्तूप है यह पूर्णाकृति स्तूप है और यहाँ पर एक छोटा सा दालन दिखाई दे रहा है। चलिए फिर से बढ़ते आगे, क्योंकि ये छूट गया था हमारा, हम इसलिए यहाँ पर आए थे। ये अभी हमने यहाँ का अति विशाल ऐसा चैत्य देखा है और उसकी जानकारी हमने ली है। अभी हम बढ़ रहे हैं अगली गुफाओं की ओर, और अगली जो गुफा है, इन गुफाओं में हमें अमूमन जो तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ है वही देखने मिलने वाली है। उससे पहले यहाँ पर जो 12 नंबर का स्तूप है, जो 12 नंबर का स्तूप जिस प्रकार के चैत्य हमने देखे, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर एक चैत्य हमें दिखाई देता है जो कि सर्वसाधारण है। और इसी में भी हमें ठीक पूर्ण कृति वाला जो स्तूप है
वह हमें दिखाई देता है। और ये बहुत ही विशाल ऐसा स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये चैत्य कुछ इस प्रकार का यहाँ पर है, और कुछ अलग प्रकार की जो स्थापत्य शैली है वह यहाँ पर हमें दिखाई देती है। हम बढ़ रहे अगले हिस्से में। अगला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको मूर्तियाँ दिखेगी, स्तूप दिखेंगे, और बहुत ही अलग नज़ारा दिखाई देगा। आइए यहाँ की अगली गुफा देखिए। यहाँ पर बहुत बड़ा एक विशाल जो स्तूप है, ओटी स्तूपा, यहाँ पर वह निर्माण किया गया। ये अखंड पत्थर में है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक छोटा सा स्तूप है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप मूर्तियाँ देख सकते हो तथागत बुद्ध की। यहाँ पर ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर देखें ये अभय मुद्रा वाली जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर तीन अभय मुद्रा की मूर्तियाँ हमें दिखाई देगी तथागत बुद्ध की। इसे अभय मुद्रा कहा जाता है। और यहाँ पर देखें यहाँ पर भी एक मूर्ति जो है, यहाँ पर भी पिछले हिस्से में जो सामने वाला हिस्सा है, ये जो शैली है, ये शैली प्रार्थना स्थल की शैली है। देखिए यहाँ पर यह मूर्तियाँ इस प्रकार से अलग अलग मुद्राएँ हमें दिखाई देती हैं। देखिए ये पत्थर, देखिए पत्थर, ये लैटराइट पत्थर, या फिर गुजरात में जो चूना पत्थर रहता है, चूना पत्थर अमूमन इससे भी कमज़ोर रहता है, लेकिन लैटराइट पत्थर है, इसके अंदर हमको खनिज दिखाई दे रहे हैं। जो लोह है, लोह की मात्रा इस पत्थर में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये जो पत्थर यहाँ पर कमज़ोर होने के कारण ये ढह चुका है, ये जो मूर्तियाँ है ये नष्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये बड़ी विशाल मूर्ति आप देख पा रहे हो, यहाँ पर तथागत बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, उस महापरिनिर्वाण को यह जो शिल्प है यह दर्शाता है, यह उसी का शिल्प है महापरिनिर्वाण का। तो यहाँ पर तथागत बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है यहाँ पर इस शिल्प में दर्शाया गया है। देखिए अति विशाल ऐसा यह तथागत बुद्ध का शिल्प आप देख पा रहे हो। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रत्तो च अहिंसाय रतो मनो। जिसका मन दिन रात अहिंसा में रमा रहता है, वे तथागत बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ की जो मुख्य गुफा है, अभी हमने जहाँ से प्रदक्षिणा की, और प्रदक्षिणा करते समय हमें अलग अलग प्रकार के तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई दी। अलग अलग मुद्रा में यह मूर्तियाँ थी, जिसमें ध्यान मुद्रा हो, या फिर अभय मुद्रा हो, या फिर महापरिनिर्वाण मुद्रा हो, इन मुद्राओं में हमें तथागत बुद्ध की यहाँ पर मूर्तियाँ दिख रही। यानी यहाँ पर तथागत बुद्ध का जो जीवन है, जीवन को इंगित करने वाली यह मूर्तियाँ है। यहाँ पर हमें यह बोधिसत्व दिखाई दे रहे। शुरुआती हिस्से में दो बोधिसत्व है, बोधिसत्व यहाँ पर ये एंट्रेंस में है, ये जो यहाँ का जो मुख्य ये जो स्मारक है, या फिर ये जो स्थापत्य, स्थापत्य का जो टेंपल शैली है, इसके अंदर हमें यहाँ पर तथागत बुद्ध की यह मूर्ति दिखाई दे रही है, जो कि धम्मचक्र पवतन यह मुद्रा में यह तथागत बुद्ध की अति विशाल, यानी लगभग यह 10 से 11 फीट की यह जो विशाल मूर्ति है यह हमें दिखाई दे रही है। और यह इस प्रकार से तथागत बुद्ध विराजमान है। और यहाँ पर अनेकों शिल्प थे, यहाँ पर अमूमन जो हिरण होते हैं, मृग कहते हैं उसे, हिरण रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चक्र रहता है। जब तथागत बुद्ध जो धम्म चक्र पवतन है उसे चक्र के रूप में दर्शाया जाता है, या फिर चक्र का जो प्रतीक है अमूमन ऐसे मूर्तियों पर रहता है। और यहाँ पर धम्म चक्र पवतन मुद्रा में ये तथागत बुद्ध विराजमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर स्तूप चक्रमन सा भाग स्तूप है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हम पिछले हिस्से में आए हुए, और पिछले हिस्से के जो गुफाएं है, यहाँ पर जो नैसर्गिक आपत्ति आई होगी उसके अंदर यहाँ की जो गुफाएं है यहाँ पर यह ढाई गई है। देखिए इस गुफाओं में हमें अमूमन जो है विहार, या फिर यहाँ पर भिक्कुओं के लिए रहने के लिए निवास दिखाई दे रहे हैं। जय भीम, नव बुद्धाय, जय भारत। हम यहाँ पे आए हैं धम्मनेर में। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा रहा,
और काफ़ी थक गए थे हम जब यहाँ पे पहुँचे। हम कल 3 या 4 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन शाम का टाइम हो चुका था इसलिए हम यहाँ पे शूटिंग नहीं कर पाए। तो उसका आगे का सफ़र हमने दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के फिर से शुरू किया। और जब यहाँ पे हमने देखा तो काफ़ी सारी गुफाएं हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे चैत्य है, काफ़ी सारे स्तूपाज है जो एक जैसे अलग सा वाइब्रेशन हमको दे रहा है कि यहाँ पे हमें आना चाहिए, हमें सबको आना चाहिए। और यहाँ पे हमें घूमने फिरने के लिए नहीं, जो हमारा पुराने सभ्यता है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको उजागर करने के लिए क्या क्या हमें रास्ते अपनाने चाहिए वो यहाँ पे आके हमें देखना है। नमो बुद्धाय। जय भीम। हम धमनार मध्य प्रदेश क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध स्तूप है और बहुत अच्छी शिल्पकला है। यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक आते नहीं और ये भारतीय पुरातत्व विभाग रहेगा और उन्होंने भी ऐसा करना चाहिए कि कैसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आएंगे। और ये क्षेत्र पूरा दुर्लक्षित है और यहाँ पे इसका बचाव कैसा करना चाहिए ये भी अपने भारतीय पुरातत्व विभाग ने देखना चाहिए। यह अपने भारत का प्राचीन विरासत है अपनी और ये अपने आँखों के सामने नष्ट हो रही है, इसका कैसा बचाव करना चाहिए ये पूरे भारतवासियों ने देखना चाहिए और प्रत्येक भारतवासी ने यहाँ पे आना चाहिए और ये अपना प्राचीन वैभव देखना चाहिए। ऐसा मैं आपको सबको आशा करता हूँ कि सब आप यहाँ पे आएंगे और ये वीडियो बोधिसत्वों के माध्यम से आप भी देखेंगे और आप भी यहाँ पे आएंगे। इतना ही बोलता हूँ और आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ यहाँ पे आने की। आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमारी जो टीम है यहाँ तक आ पाई है और आप सभी को यहाँ के जो दृश्य है वह हम दिखा पा रहे हैं। आपका साथ सहयोग इस चैनल को मिल रहा है और ये जो साथ सहयोग है आप इस चैनल को देते रहे ताकि ये जो बड़ा कार्य है हमने हाथ में लिया है जो कि भारत भर में के ऐसे जो वीरान स्थल है वह आपको दिखाने का हम प्रयास करें, तो आपके सहयोग से ही हम दिखा पाएंगे। तो आप सभी का साथ सहयोग बहुत ही जरूरी। देखते हैं अभी यहाँ के अन्य जो गुफाएं हैं इसी प्रकार से जो वीरान है दूसरे हिस्से में वह देखते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। चलिए अभी हम आए हुए हैं यहाँ का धर्मराजेश्वर जो मंदिर है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर शुरुआत में कुछ शिल्प है जो थोड़े बहुत खंडित हो चुके हैं। देखिए यह जो धर्मराजेश्वर मंदिर है इस प्रकार की यह स्थापत्य शैली है और यह 9वीं शताब्दी में बनाया गया एक बड़ा अति विशाल ऐसा मंदिर और ये जो स्मारक है एक अखंड पत्थर में इसका निर्माण किया गया, इसे उकेरा गया। देखिए इसकी स्थापत्य शैली कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पे और अन्य छोटे छोटे मंदिर हमें दिखाई दे रहे हैं और चले जो मंदिर है इस मंदिर की हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मंदिर में पुजारी जी भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये स्थापत्य शैली है मंदिर की। देखिए अति विशाल ऐसा ये मंदिर है। ये मंदिर के गर्भगृह में भगवान है, भगवान विष्णु जी विराजमान है शायद से, तो इनकी हम जानकारी लेते हैं। और साथ ही साथ एक शिवलिंग भी हमें दिखाई दे रहा है। तो जो शिल्प आपको दिखाई दे रहा है यह प्राचीन शिल्प है भगवान विष्णु जी का और एक शिवलिंग हमें दिखाई देता है। तो इस मंदिर की जानकारी यहाँ के जो पुजारी जी है पुजारी जी से लेते हैं। पुजारी जी नमस्कार, वंदन आपको। पुजारी जी इसका थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए मंदिर की। ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये मंदिर पहले ऊपर से शिखर का निर्माण हुआ, फिर मंदिर का निर्माण हुआ और ये मंदिर एक ही चट्टान से बना हुआ है। यहाँ पे पांडवों ने 6 महीने की एक ही रात की थी और यहाँ ने अज्ञातवास किया था। यहाँ पे अज्ञातवास में बनाया गया मंदिर है और इस पत्थर पे कोई भी जायंट नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल साफ। और यहाँ ने उधर काल भैरव माता जी का स्थान है और इधर माता जी का है और इधर शनि महाराज और इधर माता जी दुदाखेड़ी माता जी। तो
अभी हम इन धमनार की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दूसरे हिस्से में आए हुए हैं, और दूसरा हिस्सा जो है जहाँ पर आर्कियोलॉजी की बाउंड्री ख़त्म होती है, यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा है। इसे संरक्षित नहीं किया गया या फिर इन गुफाओं तक जाने के लिए मार्ग नहीं है। तो ये गुफाएँ जो है ऊपर से हमें दिखाई देती हैं, तो अभी हम एक गुफा देखेंगे। आइए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन गुफाओं में अमूमन हम देख रहे हैं बड़े पैमाने में चैत्य है, स्मारक है और विहार बड़ी संख्या में है। और यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप है, देखिए आप यहाँ पर, मतलब अभी तक हमने देखे हैं लगभग 50 से भी अधिक ऐसे जो ओटी स्तूपा है, ये जो इस प्रकार के स्तूपा जो है यहाँ पर स्थित है। ये देखिए ये पूर्णाकृति स्तूप है। ये देखिए ये सारे स्तूप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखिए ये ऊपरी हिस्से में ये सारे स्तूप यहाँ पर अंकित किए गए और बड़ी मात्रा में है। देखिए पूरे गुफाएं हैं इन गुफाओं में। देखिए ये स्तूप देखिए आप कितना भव्य है, अति विशाल ये स्मारक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए चैत्य है, चैत्य की इसके ऊपर कलाकृति बनाई गई है। ये देखिए चैत्य की कलाकृति बनाई गई है, यानी ये पूरा प्रार्थनीय स्थल स्थल था, ये पूरा पूजा का स्थल था। ये देखिए ये पूरे स्तूप हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए इतने बड़े मात्रा में यहाँ पर स्तूप है। ये टूट गया है, ये भी टूट गया है ऊपरी हिस्सा, और कुछ नीचे भी ढह गया होगा, और कुछ इधर जो खाई है खाई में भी गिरा होगा। देखिए ऐसे स्मारक है, ये कांच का देख रहे हो, ये पूरा गिर चुका है। ये ऊपरी हिस्से में की गुफा है। यहाँ पे लगभग 100 से भी अधिक गुफाएं हैं, जैसे आर्कियोलॉजी बताता है यहाँ पर 50 है, लेकिन अधिक मात्रा में गुफाएं हैं यहाँ पर। आइए, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर धमनार में कितने बड़े पैमाने में बहुत बड़ा भिक्खु संघ यहाँ पर वास करता होगा। ये देखिए ये सारी गुफाएं यहाँ पर हम देख पा रहे, तो ज़्यादातर थेरवाद परंपरा की गुफाएं है इस हिस्से में, और अगले हिस्से में वहाँ पर हमें ज़्यादातर जो महायान पंथ है उसकी गुफाएं दिखाई देगी। ये देखिए जैसे ये सारे निवास है, विहार है। ये देखिए विहार इस यहाँ पर भी है, बड़ा विहार है ये। देखिए आइए, ये विहार देखिए, विहार की खोलियाँ दिखाई दे रही है इस प्रकार के, और यहाँ से निकलने का रास्ता है इस विहार को। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर ये दीवार टूट गई है, इस कारण यहाँ पर रास्ता दिख रहा है हमें। ये विहार देखा आपने, और यहाँ पर देखिए आधी आकृति में यहाँ पर ये स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से हमने शुरुआत में गुफाओं में जो स्तूप देखे, वैसे स्तूप यहाँ पर अंकित किए गए। ये देखिए ये पूरे जो स्मारक है बड़ी मात्रा में यहाँ पर है। ये देखिए 33 नंबर गुफा, कुछ गुफाओं पे नंबर भी अंकित किए गए। ये देखिए ये स्तूप देखिए, बहुत सारे जो स्तूप हैं नीचे ढह गए या टूट चुके हैं। आइए, बड़ी मात्रा में क्षति हुए हानि हुए यहाँ के स्मारकों की। ये देखिए अभी हम इसके अगले हिस्से में जाए, और आइए